तो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुके हो तो बाबा जी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो ड्यूटी पे मामूर शख्स कहता है बाबा जी की तबीयत सफर कर कर के इतनी नासाज़ हो चुकी थी, इस कदर निढाल और लाचार हो चुके थे बीमारी की वजह से और पाकिस्तान का सफर पूछ रहे थे। तो जब मैंने बताया ना कि बाबा जी पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हो, तुम्हें मुबारक हो पाकिस्तान में आने की, तो बाबा जी ने आसमान की तरफ रुख करके अपने रब का शुक्र अदा करके उसकी जुबान पे ये कलिमात थे, मेरे मौला तेरा शुक्र है, तेरा करम है, तेरा फजल है कि कहीं मुझे काफिरों के मुल्क मौत नहीं थी। अब मैं पाकिस्तान में दाखिल हो चुका हूँ, अब मेरे ऊपर मौत का फरिश्ता आ भी जाए तो कोई बात नहीं, मैं अपने पाकिस्तान के अंदर तो आके मर रहा हूँ। लोग इस बात को भी फख्र समझते हैं। आपने देखा होगा अक्सर चिड़िया जब पानी पीती है ना, चिड़िया ये छोटा सा तिरंगा, जब चिड़िया पानी पीती है तो एक कतरा एक पानी का पीने के बाद वो चिड़िया आसमान की तरफ रुख करती है। परंतु की तरफ, परंतु के पानी पीने का कभी अंदाज देखें, इन्हीं परंतु में से एक चिड़िया के भी पानी पीने के अंदाज को कभी गौर से देखना कि जब ये परिंदा पानी पीता है, एक कतरा जब उसके हल्क में उतरता है, दूसरा कतरा ये चिड़िया उस वक्त अपनी चोंच में भरती है कि आसमान की तरफ रुख करती है। वो किसी अल्लाह के बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा ये क्यों आसमान की तरफ रुख करती है, कहा इसलिए एक पानी का कतरा पीने के बाद दूसरा कतरा पीने से पहले अपने रब का शुक्र अदा, अपने रब का शुक्र ये चिड़िया अदा करती है। मौला तेरा शुक्र है, तूने एक कतरा तो पानी का दे दिया ना, मौला तेरा करम है, ये तेरा एहसान है मौला, ये तेरा फजल है मौला, तेरे करम की बारिश है ना, तूने मैं भी तेरी मखलूक हूँ, तूने मुझे चिड़िया को एक पानी का कतरा तो नसीब कर दिया ना। हजराते जी बका हर हर कतरे के ऊपर ये परिंदे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम उस फतने अजीज के बाशिंदे हैं, हम उस फतने अजीज के वासी हैं, हम उस फतने अजीज के बेटे हैं, हम उस फतने अजीज की हड्डी हैं, हम उस फतने अजीज के रहने वाले। ये मजदूर और गैरत मंद मुसलमान होने का सबूत देते हैं कि लोगों अगर चिड़िया एक पानी का कतरा पीने के बाद दूसरा कतरा अपनी चूंच में नहीं भरती जब तक वो अपने रब का शुक्र अदा न करे, हर 15 मोमिन तू तो उस मुल्क की मट्टी फैला रहा है कि जिस मट्टी में दफन होने के लिए अल्लाह के जो मर्द जीता, एक बंदे अपने रब की बारगाह में ये इंतजार करते रहे, शुक्र अदा करते रहे, मौला तेरा शुक्र है तूने दफन होने के लिए पाकिस्तान की मट्टी में मैं कब्र की अदा की, इसलिए हमें भी शुक्र अदा करना चाहिए। आज अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने का दिन है, शुक्र अदा करने का दिन है, हम अपने रब के हजूर शुक्र अदा करते हैं। मौला तूने करम किया, ये तेरा फजल है मौला, ये तेरा एहसान है, ये तेरे कर्म के फैसले हैं कि तूने हमें यह मुल्क अता फरमाया, तूने हमें यहाँ पे पुरसकून होके अपनी बारगाह में सजदा ऐसी के लिए ये वतन अजीज अता फरमाया। ज़रा याद करें ना उन ममालिक की तरफ जहाँ पे मुसलमान छुप छुप के इबादतें करते हैं, जहाँ पे मुसलमानों को वहाँ पे महफूज नहीं है। कितने लोग, अब बहादुर शाह जफर को देख ले, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर से जब हुकूमत छीनी ना तो सुबह नाश्ते में जब उनके सामने नाश्ते वाले ट्रे लाया गया, नाश्ता नहीं था, उस बेटे की उसके पोतों की गर्दने थी, तो बहादुर शाह जफर के सामने वो रख के अंग्रेज कहने लगा, बहादुर शाह जफर ये देख तेरे बेटे की गर्दन हमने उतार दी, ये देख तेरे पोते की गर्दन।
कर उतार दी। या आप भी तो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस मर्द कलंदर ने जो खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया, इसने कहा अंग्रेज लानती, ये एक बेटा है, ये एक पोते की गर्दन आई है, मेरे सैकड़ों बेटे और पोते मेरा खानदान कुर्बान हो जा मोहम्मद के नाम के। खानदान मेरे साथ रात हो, मेरे नबी का एक आशिक। जब दुश्मन ने कहा ना कि ये मान ले हमें तो ठीक है, ना माने तो गर्दन उड़ा दी जाए, तो रोने लगे हम किसी आंसू आ। उस दुश्मन इस्लाम ने उसने समझा कि शायद मौत देख के डर चुका है, डर गया ना उसने, कहा जालम डरा नहीं हूं, कोई खौफ नहीं, ये खौफ के आंसू नहीं है। तूने क्या समझा कि हम करीब, मेरी तो गर्दन उतारने वाला है, मैं तेरे जुल्म से डर के आंखों से आंसू निकाल रहा हूँ। कहा ना ना, बल्कि मैं तो इसलिए आंसू निकाल रहा हूँ कि काश मेरे जिस्म के ऊपर जितने बाल हर हर बाल के बराबर, इसके मुताबिक भी अगर अल्लाह ने मुझे जाने अदा की होती तो मैं एक एक जान करके अपने नबी के नाम पे कुर्बान करता। हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं, आओ आज इस अपने अजीज के हासिल होने पे हम भी अपने रब का शुक्र अदा करें, हम भी अपने रब के हासिल उसके करम का जो है उसने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान फरमाया है। नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, के अल्लाह की नेमतों को इतनी अजीम है उन तमाम नेमतों में से ये मुल्क, ये अजीज पाकिस्तान इतनी जाने कुर्बान के बाद ये भी बहुत इस नेमत के लिए अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। तो ये जामिया चिश्तिया रिजविया जिया कुरान रहवाली, हर लम्हा व लम्हा आपके दिलों की धड़कन, आपके दिलों पे दस्तक, आपके दिलों की आवाज़, अल्लाह इस इदारे को सुबह क़यामत तक बादशाह रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिला हज़रत साहब का साया हम सब पूरी रहवाली उम्मत मुसलमान के सरों पे।